हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने यूनिट वन के लिए सोर्स पूछा था, तो यूनिट वन के लिए तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्स आ रहे हैं, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं क्योंकि अब टाइम कम बचा है। लेकिन ऐसा नहीं है टाइम कम बचा तो आपका हो नहीं पाएगा, आपका आराम से हो जाएगा। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, ठीक है? तो इसमें आकार के नोट्स आ रहे हैं, दृष्टि के आ रहे हैं, MGICS के आ रहे हैं और बहुत सारे PDF वगैरह टेलीग्राम में भी अवेलेबल है। तो आपको मल्टीपल सोर्सेज आ रहे हैं, आपको बस एक सोर्स उठाना है और उसको हाईलाइट करके पढ़ लो, रिवीजन कर लो। अब है नेक्स्ट है एमपी की हिस्ट्री कैसे पढ़े। एमपी की परीक्षा धाम में बहुत बेस्ट दिया हुआ है, उसी से पढ़ लो, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई भी वंस उठाना है, उसकी लोकेशन देखनी है कि वो लोकेशन एमपी में उसकी कहाँ पर है, ठीक है? मालवा में है, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, कहाँ वो वंश पाया जाता है, या निमाड़ में कहाँ पर वो वंश पाया जाता है, संस्थापक कौन है, उनके जो राजा कौन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, या उन्होंने कोई काम किया है या युद्ध लड़ा है, या उनकी कोई कोई बुक फेमस है, कोई सिक्के विक्के चलाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी होती है, तो आप बस यही पढ़ लो, हो गया। कोई भी वंश है तो उसने कहाँ पर शासन किया है, किस एरिया में एमपी के, ठीक है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, कहाँ पर किया, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है? तो आपके और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।